नमस्कार दोस्तों, मैं रतनलाल यादव और आप देख रहे हैं आरएल गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का विषय हमारा बैंगन की जो फसल है, बैंगन के जो प्लांट है, उनकी हार्वेस्टिंग भी करेंगे और उनकी प्रूनिंग भी करेंगे। तो आइए दोस्तों, देखिए हमारे प्लांट। ये दोस्तों, हमने लगभग 35 दिन हो गए हमारे इस पौधे को लगाए हुए और इसमें कितने फल आ रहे हैं। ये हमारे लंबे वाले बैंगन हैं। ये मैंने पूसा की वैरायटी ला रखी थी और कितने अच्छे साफ सुथरे, कोई बीमारी नहीं, कोई किसी तरह का कीड़ा नहीं। तो हम इसकी पहले हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। हार्वेस्टिंग करने से पहले मैंने इसको सैनिटाइज किया हुआ है। कोई भी आप किसी भी पेड़ के साथ अगर इस कटर को इस्तेमाल करते हैं तो उससे पहले इसको हर बार सैनिटाइज जरूर करें। ये हमारे पौधों के लिए बीमारियों से बचाने का सबसे पहला तरीका है। तो लीजिए दोस्तों, इधर हमारे सब तरह की जो भी सब्जियां हैं, वेजिटेबल है, ऑनियंस है, या ये अपना लहसुन है, ये सब हमने इसमें लगाए हुए हैं। और मिट्टी अगर उर्वरक है तो जिसके पास ज़मीन में मिट्टी में लगाने के लिए अगर जगह है तो उसमें बहुत अच्छे फल आते हैं। देखिए पौधे की कितनी आप देखिए, ये 35 से 40 दिन के बीच के पौधे हैं, कितने अच्छे फल रहे हैं। आप ये देखिए बैंगन की क्वालिटी देखिए, आप कितना शानदार फल है ये। आप ये इसमें देखिए, इसी पेड़ से दूसरा ये फल देखिए, ये बैंगन। तो ये इधर दो दो तीन तीन एक ही जगह पे लगे हुए हैं। हर ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है, इसमें एक भी परसेंट कोई भी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, कोई केमिकली कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। सारे पौधे बिल्कुल टोटली ऑर्गेनिक है। इसके अंदर ये और दोस्त इधर ये देखिए, पौधे को ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए फैलने के लिए और उसी हिसाब से पौधे अच्छा फल देते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पौधे के लिए, क्रिया के लिए बहुत जरूरी होता है। तो इसलिए आज हम इनकी प्रूनिंग भी कर रहे हैं अपने प्लांट की। नीचे के पत्तों को हटा देंगे, जितने भी मिट्टी के साथ लगते कोई भी पत्ते होते हैं उसकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप नीचे की ब्रांचों को भी आप हटा सकते हैं, एरेशन के लिए ज़रूरी होता है। और इसको धूप नहीं लग रही है तो अभी इसका ज़्यादा रोल नहीं है, ऊपर वाले पत्तों पे ही उसका ये ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण करेंगे। नीचे वालों को आप बिल्कुल साफ करिए, मिट्टी के आसपास की जो भी ब्रांचेज है या लीफ है उनको बिल्कुल हटा दीजिए, तो पौधा स्वस्थ चलेगा, भोजन भी अपना पूरा दिन आराम से भोजन बनाएगा और फलों की बढ़वार को बढ़ाएगा। तो यही इसी हिसाब से हमने दोस्तों इसके कर दिया है। अब इस पौधे की देखिए, ये नीचे के पौधे या कोई फालतू ब्रांच नीचे की होती है उसको भी मिट्टी से 6 इंच तक कोई भी लीफ है, कोई ब्रांच है, उसको प्लांट के को नहीं रखना है, कि उससे नीचे से मिट्टी जनित जो भी रोग होते हैं उनको सबको इसे निजात मिलती है। हमारे सभी ये देखिए, ये ब्रांच को हमने निकाल दिया है। हमें इसको कोई दुख नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि पौधे को फल अगर अच्छे लेने हैं तो हमें बिल्कुल उसको एरेशन के हिसाब से बिल्कुल साफ जगह। इन पत्तों को ये देखिए, अब ये पत्ता ज़्यादा फल फूल के ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाएगा। ये ब्रांचें हैं ये जो नीचे की, इनको बिल्कुल काटना है, इनकी ज़रूरत नहीं है। पौधा ऊपर ही बहुत ज़्यादा फल देगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं इसमें। तो देखिए दोस्तों, आज की हमारी हार्वेस्टिंग, ये बैंगन की, और ये हमारे किचन गार्डन के ही सारे प्लांट लगे हुए हैं बैंगन के, तो ये कितने साफ सुथरे हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक सीमित है
और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।